तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। यदि आप भी यात्रा के लिए अपना ऑफलाइन पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश से कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण की बहाली एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में सामने आई है। कुछ दिन पहले भीड़भाड़ की चिंताओं और कुप्रबंधन की शिकायतों के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। मामले को संबोधित करते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे जी ने तीर्थयात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिया। उन्होंने तीर्थयात्रियों की आमद की भयावहता पर जोर देते हुए खुलासा किया कि अब तक 14.3 लाख श्रद्धालु पवित्र चार धाम यात्रा पर आ चुके हैं। दोनों केंद्रों से लगभग 25,000 बैकलॉग पंजीकरणों को सावधानी पूर्वक संबोधित किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया में व्यवस्था और नियंत्रण की भावना पैदा हुई है। इन केंद्रों पर आवंटित कोटा बढ़ाने की संभावना का भी संकेत दिया। यह निर्णय भीड़ की बदलती गतिशीलता और मांग पर निर्भर करेगा। पूर्व प्रबंधन चुनौतियों के जवाब में ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा को जिला पर्यटन कार्यालय से ऋषिकुल ग्राउंड के अधिक विशाल और अनुकूल वातावरण में रणनीतिक स्थानांतरण किया गया। इस सक्रिय उपाय का उद्देश्य इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भीड़ भाड़ को कम करना और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। हरिद्वार DM धीरज सिंह गर्ब्याल जी ने बताया कि ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर एम्बुलेंस से सुसज्जित मेडिकल टीमें तैनात की गई है। इन समर्पित टीमों को आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रखने से पहले तीर्थयात्रियों की पूरी तरह से चिकित्सा जांच करने, कठिन तीर्थयात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। चिकित्सा टीमों की तैनाती तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तीर्थयात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये व्यापक उपाय पिछली चुनौतियों से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास को भी प्रदर्शित करते हैं, जिससे आध्यात्मिक पूर्ति और तीर्थयात्रा संतुष्टि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। जैसा कि पहले बताया गया था, 650 से अधिक तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास आवश्यक पंजीकरण नहीं था। यह कदम चार धाम में तीर्थयात्रियों के आवागमन को नियंत्रित करने और यात्रा सीजन में पहले अनुभव की गई अव्यवस्था को रोकने के अधिकारियों के प्रयासों के अनुरूप था। अब ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया लागू होने से तीर्थयात्री रास्ते में आने वाली अनावश्यक बाधाओं से बच सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।